नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज में आपके साथ ज्योति। सुनकर कितना अजीब लगता है ना कि एक व्यक्ति जो दंगाइयों को रोकने की कोशिश करता है वो अभद्र टिप्पणी करने वालों के विरुद्ध पुलिस में केस दर्ज करवाता है, वो लोगों से सभ्य भाषा का उपयोग करने की अपील करता है। इसी बीच कुछ नफरत के वाहक एक फोटो को एडिट करते हैं और उल्टा उसी व्यक्ति को निशाना बना दिया जाता है। फिर जो होता है वो और भी शर्मनाक है। ये मामला यूपी के प्रयागराज का है, जहां पर मशहूर पत्रकार मोहम्मद अनस को 20 अक्टूबर की रात को गिरफ्तार किया गया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि एक फर्जी और एडिट की हुई तस्वीर के आधार पर उन पे इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। आपको बता दें कि मोहम्मद अनस दो दिन से सोशल मीडिया में नफरत फैलाने वाले लोगों के विरुद्ध मोर्चा खोले हुए थे। वहीं फेसबुक से लेकर ट्विटर तक इस्लामोफोबिक कमेंट्स की बाढ़ आई हुई थी, जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब पर अमर्यादित भाषा और शब्दों का उपयोग किया जा रहा था, जिसको लेकर मोहम्मद अनस ने लोगों से अपील की थी कि वो यूपी पुलिस का साथ दे, किसी भी तरह का गलत कदम ना उठाएं। वहीं मोहम्मद अनस को गिरफ्तार करने से पहले यदि मोहम्मद अनस की फेसबुक बोल को चेक कर लिया जाता तो शायद यूपी पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं करती। फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जो लोग एक दूसरे के धार्मिक प्रतीकों, सम्मानित महापुरुषों और धर्म को लेकर गाली गलौज या भावनाओं को आहत करने वाली पोस्ट लिख रहे हैं, उनके विरुद्ध यूपी पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी पत्र के माध्यम से बताया गया कि आज पूरे प्रदेश भर में 14 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, इन पर रासुका के तहत भी कार्रवाई की गई है। इलाहाबाद में आज दो लोगों के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है। मोहम्मद अनस की इन सभी पोस्ट को पढ़ने के बाद इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि पत्रकार मोहम्मद अनस न सिर्फ अमन और शांति को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि यूपी पुलिस और प्रशासन का सहयोग कर रहे थे। साथ ही मोहम्मद अनस यूपी पुलिस द्वारा जनता से की गई अपील को भी लोगों तक पहुंचा रहे थे। ऐसे सोशल मीडिया में उनके ही विरुद्ध सोशल मीडिया में अशांति फैलाने की कोशिश करने का आरोप लगाया जाना और फिर उन्हें यूपी पुलिस द्वारा अनस के सोशल मीडिया अकाउंट्स को बिना देखे ही उनके घर से उठाना यूपी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज। शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।